दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया हूँ न्यू जनरेशन के नाम से। उस चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। UFI और GTH प्लस या EMMC टूल या AE टूल, मिरेकल का या UMT, EMMC, कोई सा भी टूल हो, हर किसी टूल के बारे में आपको उस पर डिटेल मिलेगी। किस तरह से अनलॉकिंग करते हैं, किस तरह से फ्लैशिंग करते हैं, सैड डेड कैसे होता है, किस वजह से डेड होता है, और प्रोग्रामिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आगे उस चैनल पर आपको। अभी सबसे शुरू में EMMC ICI थी, फिर उसके बाद EMCP, और अब UFSIC लॉन्च हो चुकी है जो वीवो के सेटों में ज़्यादातर आ रही है। जैसे वीवो का V17 प्रो है, उसके अंदर UFSI है, S1 प्रो है, Z1X है, Z5X है, इन सब में जो है UFSICI है। तो उसमें आप कैसे ISP पिन आउट या IC को रिमूव करके किस तरह से आप उसकी अनलॉकिंग कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे नए YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और दूसरी बात, मैंने उस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है Realme 2 ISP के द्वारा किस तरह से उसको फ्लैश कर सकते हो तुम किसी भी टूल से, चाहे वो UFI बॉक्स हो या GTH प्लस हो। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको उसमें बताया गया है। और ये जो वीडियो का मकसद है बनाने का, वो खाली यही है कि आपको उस चैनल के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए, क्योंकि चैनल में इतनी अभी ग्रोथ नहीं है कि जो आपको यूट्यूब पर ढूंढने से मिल जाए। पहले आपको मेरे भाइयों सब्सक्राइब करना पड़ेगा उस चैनल को जाके, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। क्योंकि भाई, जब नया चैनल खुलता है तो उसमें हर चीज़ देखी जाती है, लाइक कितनी आ रही है, सब्सक्राइबर कितने हैं, कमेंट कितनी है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर करना। और दूसरी बात, इस चैनल पर ये मेरी लास्ट वीडियो है, अभी भी चैनल मेरा चालू है बाकायदा। बाकी यह है कि जितनी जल्दी होगा मैं इस पे और एक दो वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके उस चैनल के बारे में। तो अभी चलें उस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को। जैसे ही आप, नीचे लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का, जैसे ही उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो खुलेगी Realme 2 की, जो मेरे पास डैशबोर्ड में आया था। हैंग टू लोगों में था वो, मतलब अपडेट करने के बाद वो हैंग हो गया था, तो उसको मैंने ISP के द्वारा फ्लैश करके दिखाया है। थोड़ा टाइम लगता है ISP में, मगर सेट हो जाता है। और दूसरी बात, MI अकाउंट जो है आप किसी भी टूल से तोड़ सकते हो बिना किसी को पैसे दिए, फ्री में टूट जाएगा। बस थोड़ी ट्रिक है, वो आपको अभी इस वीडियो में दिख जाएगी किस तरह से आप फ्लैश कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो। देखो, ये मेरे पास है MI का 6 है, 6A, और इसमें MI अकाउंट आप देख रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा काट पीट करके इसको मैं मेन मुद्दे तक ले आऊँगा। कोई सा भी आप UFI हो या EMMC का कोई सा भी टूल हो, इसमें क्या है, इस सेट में तो थोड़ा IC बाहर निकालनी पड़ती है, मगर इससे जो दूसरे सेट हैं MI के, उनके ISP पिन आउट है नेट पे। तो जिनके ISP पिन आउट नेट पे हैं, उनको आप बिना IC उखाड़े ISP पिन आउट से भी उसकी MI अकाउंट इरेज कर सकते हो। देखो, MediaTek का CPU है इसके अंदर। MediaTek में जो होता है, परसिस्ट फाइल जो होती है, ये MI अकाउंट के लिए होती है। परसिस्ट फाइल में आपको दो चीज़ मिले, तीन चीज़ मिलेगी, एक तो MI अकाउंट, एक सेंसर, और तीसरा वाईफाई। तो MediaTek का जितना भी CPU मिलेंगे आपको MI के अंदर, उनमें परसिस्ट फाइल में ना तो कंपनी ने वाईफाई का कोई फाइल दी है और ना ही सेंसर की कोई फाइल दी है। इसमें खाली MI अकाउंट की ही फाइल दी है परसिस्ट में, जो MediaTek वाले हैं। तो इसमें आपको नाइट्रेट मिलेगी, और जो हमारे क्वालकॉम के CPU हैं MI के अंदर, उसमें आपको परसिस्ट फाइल चढ़ानी पड़ेगी। इतना ध्यान रखना, इसमें आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है फाइल, बस खाली देखना करना क्या है।
देखो ये मैं आईजी उखाड़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके आईएसपी पे ना उठाए नहीं नेट पे। अभी आप किसी और साइट का एमआई अकाउंट तोड़ोगे जो ऑथराइज साइट है जिसका बिना लॉगिन आईडी के पासवर्ड नहीं टूटता, तो उसमें आप एक तरीके का जैसे हमने आईएसपी पिन आउट लगा दिया और जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे साइट में कोई सी भी टूल में अपने जो ईएमएमसी टूल है, तो एक यूज़र डाटा का ऑप्शन खुल के आता है। जैसे इसमें है देखो जी टेस्ट प्लस है, मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगा आपको। इसमें हम जब ईएमएमसी के टूल में जाएंगे और इसको यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, रेडमी 6 है ठीक है। यहीं पे हम इसके पार्टीशन में जाएंगे जहाँ पे यूज़र डाटा पार्टीशन होता है और यहाँ पे एक बार रीलोड करेंगे। आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो पार्टीशन इस तरह से खुलते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे आपको परसिस्ट फाइल देखनी है और टिक लगा के इरेज कर देना। मीडियाटेक का कोई सा भी सीपीयू खाली इरेज करनी है, आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। परसिस्ट फाइल जो होती है इसी में एमआई अकाउंट होता है। देखो अब हमने ये आईसी लगा दी यहाँ पे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती सहूलियत के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसको ऑन करके। देखो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नया चैनल का लिंक है वहाँ पे भी उसको सब्सक्राइब कर लेना न्यू जनरेशन को, क्योंकि तो आगे को जो भी वीडियो आएंगी सब उसी चैनल पर आने वाली है। इस पर मैं आपको वीडियो नहीं दूंगा, इस पर खाली एफआरपी की वीडियो आ सकती है एक दो, बाकी हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से ईएमएमसी से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक भी करना, शेयर करना वीडियो को, और नया वाला जो चैनल है मेरा न्यू जनरेशन के नाम पे उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना। उस पर ऑलरेडी वीडियो है, मैंने आपको बता दिया है। जो ईएमएमसी टूल होता है, एई टूल होता है, उसमें भी आप जब डिटेक्ट करते हो सेट को तो आपने देखा होगा पार्टीशन आते हैं साइड में, उन पार्टीशनों पे जाके ही वहाँ पे आपको परसिस्ट फाइल देखनी है किधर है। देखो वाईफाई भी चल रहा है क्योंकि इसमें वाईफाई फाइल होती नहीं है, परसिस्ट में क्वालकम में फ़ाइल होती है इसकी। क्वालकम के जितने जीपीयू है उस पर आपको राइट ही करनी पड़ेगी फ़ाइल परसिस्ट। तो हाँ मैं बता रहा था कि जो ए टूल या यूएमटी टूल है उससे भी आप इसको इसी तरह से पार्टीशन में जाके यूजर डाटा और वहाँ पे इसका जो परसिस्ट फाइल है वहाँ टिक लगा के इरेज करो। इरेज करते ही इसका एमआई अकाउंट टूट जाएगा कोई सा भी सेट हो।